उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के ग़ुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो ग़ुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शैदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक ग़ुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मजा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने ग़ुलाम को दोपहर की तपती धूप में ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ। लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस ग़ुलाम के मुँह से सिवाय अहद अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मजीद गज़बनाक होकर अज़ियतें मजीद बढ़ाता जाता। एक मरतबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात ग़ुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी ग़ुलाम को हक से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस ग़ुलाम को इतनी अज़ियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस ग़ुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवाकर लोहे की चादरें पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन ग़ुलाम की ज़बान से अहद अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अज़ियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म व सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस बेकस और मज़लूम पर इतने जुल्म व सितम ना कर, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है, अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखरत में तेरे काम आएगा। उस पर उमैया ने नहायत हकारत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख्याली आखरत के दिन को नहीं मानता, जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूँगा। सिद्दीक अकबर उस जवाब पर काफ़ी अफसरदा हुए, लेकिन फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे समझाया कि इस मज़लूम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शाया निशान नहीं है। जिस पर उमैया ने तंग आकर कहा कि अगर तुम इसके इतने हमदर्द हो तो इसे ख़रीद क्यों नहीं लेते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक झट तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो, क्या दाम लोगे? उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक ग़ुलाम है जिसका नाम फस्तात रूमी है, वो मुझे दे दे और इसको ले जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन ही राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख्याल था कि फस्तास एक नहायती कारामत ग़ुलाम है जिसकी कीमत ज़्यादा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे देने से इनकार कर देंगे, मगर आप फौरन राज़ी हो गए। तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही 40 ऊकिया चांदी की फरमाइश की। उसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी अदा कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर दरबारे रिसालत में हाजिर हुए और सारा माजरा कह सुनाया। आप सलातुस्सलाम नहायती खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं इसे खुदा की राह में आज़ाद कर चुका हूँ। ये सुनकर ज़िबान रिसालत से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कलमा रहमत जारी हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ग़ुलामी में 28 साल गुजार दिए, लेकिन आप चूंकि नहायती नेक और पाकिज़ा तबीयत के थे
लिहाजा जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी तो आपने फौरन उसे कबूल कर लिया और यूं आप साबिकुनुल अव्वलून के मुकद्दस जमात में शामिल हो गए। रिहाई पाने के बाद हजरत बिलाल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और दिलो जान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को किसी भी चीज़ का हुक्म देते तो आप अपनी जान भी लड़ा देते। गज़वाए बदर से लेकर गज़वाए तबूक तक तमाम गज़वात में शामिल रहे। लेकिन हजरत बिलाल की इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खिदमत और उनके लिए सबसे बड़ी सआदत इस्लाम का सबसे पहला मौज़िन होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अजान देने का ज़िम्मा सौंपा। आपकी आवाज़ निहायती दिलनशीन थी और उसमें एक ऐसी तासीर थी कि अजान की आवाज़ सुनकर लोग सब काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ते। 8 हिजरी में जब मक्का फतेह हुआ तो कैबे को बुतों से पाक करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। और ये मुबारक सिलसिला आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तक उसी मोहब्बत और अकीदत के साथ जारी रहा। लेकिन 11 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र आखरत अख्तियार कर लिया तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीने में रहना अब आपके लिए दुश्वार हो गया। आपको हर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुना हुआ था कि मोमिन के लिए सबसे अफजल अमल जहाद फी सबीलिल्लाह है, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुए और जहाद पर जाने की इजाज़त तलब की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको खुदा का वास्ता देकर कहा कि मुझे इस बुढ़ापे में तनहा छोड़ कर मत जाओ। तो हज़रत बिलाल ने इस शर्त पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मान ली कि अब वो रसूलुल्लाह के बाद किसी के लिए अजान नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी ये बात मान ली। लेकिन आपके दौरे खिलाफत के बाद खलीफा दोम हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी जब बैतुल मुक़द्दस की तस्खीर के लिए शाम जाना पड़ा तो वहाँ ईसाइयों से सुलहनामा तय पाने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खुतबा दिया और हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि आज जबकि क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहरा दिया है तो इस बाअज़मत मौके पर अगर आप अजान दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। हज़रत बिलाल ने यही अजान देनी शुरू की तो सहाबा कराम को अहद नबवी की मुबारक याद ताज़ा हो गई और उन पर रखत तारी हो गई। शाम के मौके के बाद हज़रत बिलाल ने शाम ही के एक गांव में रिहाइश अख्तियार कर ली क्योंकि मदीने में हर वक्त आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। लेकिन एक दिन आपने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप उनसे फरमा रहे थे कि ए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ। इस ख्वाब ने आपको बहुत तड़पा दिया और आप बेताब होकर फौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हज़रत बिलाल ने रोज़ा अक्दस पर हाज़िरी दी और उस दर्द से रोए के हाज़रीन भी अश्कबार हो गए। वहीं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आपने अपने साथ चिमटाया और बेतहाशा चूमने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे अजान फजर की फरमाइश की, भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फजर का वक्त हुआ तो आपने अजान देनी शुरू की। लोगों की अहद रसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने में नहीं आया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 60 साल की उम्र में वफात पाई। आपका मज़ार दमश्क में है। आपको दरबार रसालत में ख़ास मकाम हासिल था। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफ़ात में से कुछ अता फरमा दे। आमीन।